डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के बीच एक कंप्यूटर के ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको सीखकर आप अपनी लाइफ में एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को उस कोर्स के बारे में बताते हैं। ये रहा आपका कंप्यूटर कोर्स जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इस कंप्यूटर कोर्स का नाम है ADCA, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि ADCA के नाम से पॉपुलर है इस टाइम पर। अब इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस कोर्स को क्लास 11th के बाद, 12th के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को हाई स्कूल क्रॉस करने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए, ये कोर्स 1 ईयर का होता है, जो ये हमारा ADCA कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है। इसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, इसका जो पर सेमेस्टर होता है वो 3 मंथ का होता है, यानी कि इसमें 4 सेमेस्टर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पर सेमेस्टर 3 मंथ का होता है, यानी कि आपका 3 × 4 = 12, आपका ये पर सेमेस्टर 3 मंथ का होता है। टोटल 4 सेमेस्टर पाए जाते हैं इसमें, और इसमें टोटल ड्यूरेशन जो इसका होता है वो 12 मंथ का होता है, यानी कि 12 महीने का ये कोर्स होता है, और इसमें पर सेमेस्टर 3 महीने का होता है। देखिए, इस कोर्स की जो टोटल फीस होती है वो हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी अलग अलग फीस होती है, बट अगर बात की जाए तो मेरे इस हाईटेक कंप्यूटर क्लासेस की जो फीस है, ADCA कंप्यूटर की जो फीस है इस मेरे हाईटेक कंप्यूटर क्लासेस में, वो 4,500 है, यानी कि मेरे यहाँ जो इस कोर्स की फीस लगती है वो 4,500 रुपये। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ तो इसमें बताना भूल ही गया। देखिए, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको इस कोर्स को क्यों करना है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या आपको पता है इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होगा, आपको कितनी इनकम प्राप्त हो सकती है ये कोर्स करने के बाद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कोर्स क्वालिफाई करते हैं, आप ये कोर्स अगर करते हैं तो आप एक अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इनकम के साथ साथ आप एक अकाउंटिंग वर्क, जैसे कि इस कोर्स को करने के बाद आप बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी ऑफिस में आप रहकर इस जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। अगर बात की जाए सैलरी की, तो जैसा कि मैं जानता हूं कि अगर आप ये कोर्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो हमारे हिसाब से 20,000 के आसपास समथिंग स्टार्ट होती है। तो गाइस, आप लोगों को डिसाइड करना है कि कंप्यूटर में मुझे कौन सा कोर्स करना है, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार पर आपको डिपेंड करना है कि मुझे करना क्या है। हालांकि मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आप 12th क्रॉस किए हुए हैं और अगर आप आगे अपना क्वालिफिकेशन नहीं चाहते हैं और 12th ही रहना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज़रूर करिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर इस स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।